हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल में। तो क्या हाल चाल है जनाब? बढ़िया फ्रेंड्स, जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो पूरे घर में खुशी का माहौल बन जाता है। फैमिली के सारे मेंबर बहुत खुश हो जाते हैं कि घर में अब नया कोई मेहमान आने वाला है कि नहीं दोस्तों? लेकिन दोस्तों, कई बार चीजें हाथ से निकल भी जाती हैं, कई बार बहुत बुरा परिणाम भी आता है और वो बहुत ज्यादा दर्दनाक होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सबसे अजीबोगरीब प्रेगनेंसी के केसेस के बारे में सुना है? आज हम आपको दुनिया के सबसे चौंकाने वाले प्रेगनेंसी केसेस के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। आप बस इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज आपको बहुत मजा आने वाला है। लेकिन मेरी जान, वीडियो शुरू करने से पहले नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाली घंटी को भी दबा दीजिए ना। कर दिया, चलिए आपका शुक्रिया। नंबर 5 दोस्तों, ये कहानी है अपने भारत की। कहते हैं कि प्रेग्नेंट होने की भी एक उम्र होती है। जनरली आपने कभी भी किसी को 40 साल के बाद प्रेग्नेंट होते नहीं देखा होगा, ऐसे बहुत कम ही केसेस होते हैं। लेकिन जो भारत की एक महिला के साथ हुआ वो आज तक किसी के साथ नहीं हुआ था। जी हाँ दोस्तों, 70 साल की ओमकारी पनवर इतनी उम्र में प्रेग्नेंट हो गई थी। जी हाँ, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि कुछ ऐसा भी हो सकता है दोस्तों? वो भी इन्होंने एक नहीं बल्कि दो दो बच्चों को जन्म दिया। इसे कहते हैं भारतीय महिला। क्या बात है, 70 साल की उम्र और एक नहीं बल्कि दो दो बच्चे को सही सलामत जन्म देना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। वही कमाल ही कर दिया दादी की उम्र वाली माँ ने तो। कहाँ 70 सालों में महिलाएं ऊपर जाने की तैयारी कर रही होती हैं और कहाँ ये ओमकारी पनवर ने दो दो बच्चे को जन्म देकर दुनिया को चौंका दिया। नंबर 4 दोस्तों, अब जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो बहुत ही इमोशनल है, वो आपके दिल को जीत लेगा। जी हाँ दोस्तों, क्या आपको पता है कि एनजी क्रोमर नामक महिला के साथ क्या हुआ था? एक्चुअली दोस्तों, हुआ ये कि उनके पास एक नहीं बल्कि दो दो यूट्री थी, यानी कि बच्चेदानी। ऐसा हालांकि बहुत कम ही देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों ये केस था एनजी क्रोमर का। अब हुआ ये कि जब वो प्रेग्नेंट हुई वैसे ही उन्हें पता चल गया कि उनके दोनों यूट्री में एक एक बच्चा पल रहा है। दोस्तों ये मेडिकल साइंस के लिए कोई आम बात नहीं थी, 5 करोड़ महिलाओं में से किसी एक के साथ ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन हो गई तो हो गई, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल था कि कैसे दोनों बच्चे को सही तरीके से पैदा किया जाए। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। नंबर 3 दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आज की तीसरी कहानी की तरफ, जहां पर पोलैंड की एक महिला 75 दिनों तक लेबर रूम में रही। जी हां, आपको लग रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल हो पाया, लेकिन ये सच है। कोई 2 घंटे से 4 घंटे रहता है लेबर रूम में, या ज्यादा से ज्यादा 1 दिन, लेकिन 75 दिनों की कहानी तो दुनिया में पहली बार ही हुई थी। आपको बता दें कि जोआना क्रिजस्टोनक नामक महिला 3 बच्चों के साथ प्रेग्नेंट थी, लेकिन कुछ स्थिति ऐसी बनी कि इन्हें अचानक ही लेबर रूम ले जाया गया और वहां हुआ ये कि इनका एक बच्चा समय से बहुत पहले ही नीचे आ गया और सैडली उन्हें बचाया नहीं जा सका। लेकिन दोस्तों 2 बच्चे अभी भी माँ के पेट में जीवित थे। डॉक्टर्स को लगा कि कहीं ऐसा ना हो बाकी के दोनों बच्चे भी नीचे आ जाएं, इसीलिए महिला के दोनों पैरों को 75 दिनों के लिए लेबर रूम में ऊपर की तरफ बांध दिया गया। उन्हें एक ऐसे बेड पर लेटा दिया गया जो कि 30 डिग्री ऊपर की तरफ था। बहुत ही कठिन समय था किसी भी महिला के लिए, लेकिन स्थिति को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर्स को ये कदम उठानी पड़ी। अंत में जाकर 75 दिनों के बाद इस महिला ने अपने 2 और बच्चे को जन्म दिया, जिसमें से एक बेटा था तो दूसरी बेटी। क्या बात है, इसलिए कहते हैं कि धरती पर डॉक्टर्स किसी भगवान से कम नहीं हैं। अच्छा दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरा बताइए ना कि आप किस शहर, गांव या फिर देश से हमारा वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में बताइएगा। लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। नंबर 2 दोस्तों, दूसरी कहानी तो और भी बहुत ही दर्दनाक है। जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो सबसे पहले क्या ख्याल रखा जाता है, वो यही होता है दोस्तों कि महिला को गलती से भी चोट न लगे, है कि नहीं? लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद आपकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे। दोस्तों क्रिस्टीन बोल्डेन, जो कि मात्र 26 साल की थी, वो प्रेग्नेंट थी और अचानक ही जब मॉल से निकल रही थी कि पार्किंग एरिया में बहुत बुरी तरह से नीचे गिर गईं। आप समझ सकते हैं कि ये पूरे परिवार के लिए कितनी बड़ी दुखद घटना रही होगी। लेकिन दोस्तों जानते हैं क्या हुआ, ये दिमागी तौर से मर चुकी थी। जी हाँ, ब्रेन डेड जिसे कहते हैं, वो हो चुकी थी। लेकिन के परिवार ने कभी हार नहीं माना और कहा कि वो जुड़वा बच्चे को किसी भी हाल में चाहते हैं। जी हाँ, डॉक्टर भी बहुत परेशान थे कि आखिर ये कैसे हो पाएगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि अंत में ऑलमोस्ट डेड क्रिस्टीन बोल्डन ने 2 जुड़वे बच्चे को जन्म देते हुए इस दुनिया से चली गई। क्या कहेंगे आप इस कहानी को सुनने के बाद, वाकई में ये किसी की भी आंखों को नम कर दे। नंबर 1 दोस्तों, सबसे पहली कहानी है यूलिया ग्रोवेनबर्ग की, जो कि प्रेग्नेंट थी लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना कोई और कर भी नहीं सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि ये जब पहली बार प्रेग्नेंट हुई उसके 10 दिन बाद ही दोबारा प्रेग्नेंट हो गई। जी हाँ, आपको लग रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल है,
लेकिन दोस्तों ये होता है कई बार। एक ही महिला 10 से 15 दिन के अंदर में दो बार प्रेग्नेंट हो जाती है। दरअसल इसे कहते हैं सुपर फिटेशन। इसमें होता यह है कि एक ही महिला दो दो बार कुछ दिनों के गैप पर प्रेग्नेंट हो जाती है। कहते हैं कि कुछ लोगों में ऐसा भी होता है जिनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो 19 दिनों में दोबारा प्रेग्नेंट हो जाएं। यूलिया ग्रोवेनबर्ग के साथ ही सेम टू सेम ऐसा ही हुआ। वो पहली बार जब प्रेग्नेंट हुई थी तब में और दूसरी बार में 10 दिनों का अंतर था। अब आप ही सोचिए ना कि ये कैसे हो सकता है। आज तक इस तरह के कुल मिलाकर 10 केस ही हुए हैं दुनिया में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।